हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप ऑलिव ऑयल का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका प्रयोग करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत बनती हैं। और एक उम्र के साथ जैसे कि हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का कमज़ोर होना, टूटना, इस तरीके की समस्या हो जाती है, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल से पका हुआ खाना यानी कि ऑलिव ऑयल का प्रयोग अपने खाने में यदि आप करते हैं, उनकी हड्डियां काफ़ी मजबूत बनती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, खून में एस्ट्रोकोलिसिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि हड्डियों को मजबूत रखने में काफ़ी मददगार होती है। अगर हम आपके खाने की बात करें तो रोज़ के खाने में यदि आप किसी और तेल की अपेक्षा जैतून के तेल का प्रयोग अपने खाने में करते हैं तो उन लोगों की हड्डियां काफ़ी मजबूत होती हैं। और बुढ़ापे में जैसे कि हड्डियां जल्दी से टूट जाती हैं और फिर जल्दी से जुड़ने की भी संभावना नहीं बनती है, जल्दी से हड्डियां नहीं जुड़ती हैं, तो ये समस्या भी दूर होगी, उनकी हड्डियाँ मजबूत बनेंगी। और हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं जैसे कि हड्डियों का घिसना, उनका भुरभुरापन और हड्डियों के बीच में जो गैप आ जाता है, इस तरह की समस्या से भी काफ़ी राहत मिलेगी। यदि हम बच्चों की बात करें तो बचपन से ही जिन बच्चों की मालिश ऑलिव ऑयल के तेल से की जाती है उनकी हड्डियां भी काफ़ी मजबूत होती हैं और काफ़ी जल्दी स्ट्रांग बन जाते हैं वो बच्चे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो बचपन में बच्चों को जैसे आप तेल की मालिश करते हैं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल के तेल से उनकी मालिश कीजिए। इससे उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और बच्चों का जो बढ़ने की उम्र है वो उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी और उनकी लंबाई हाइट भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये तेल इस तेल की मालिश करने से उनकी हड्डियों का विकास काफ़ी अच्छे से होगा। यही हम बात करें अगर स्किन की, तो इस तेल की मालिश करने से आपकी जो स्किन है उसमें भी एक नई रौनक आती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनकी स्किन में गोरापन आता है और उनकी जो रंग है वो साफ़ होता है। यदि हम बड़ों की बात करें तो बड़े भी इस तेल से अपनी मालिश कर सकते हैं। यदि वो अपने तेल से अपने शरीर की इस तेल से मालिश करते हैं तो उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होगी। इसके साथ ही उनकी स्किन का जो खुरदरापन है वो दूर होकर स्किन में एक नई चमक आएगी और स्किन टाइट हो जाएगी। और यदि हम बात करें खाने की, तो यदि खाने में वो ऑलिव ऑयल का प्रयोग किसी और तेल की अपेक्षा ऑलिव ऑयल का प्रयोग करते हैं तो 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल का प्रयोग डेली कीजिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में भी काफ़ी मददगार होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।